कंफर्म तो नहीं किया हूं, लेकिन जिस हिसाब से खबर आ रहा है कि शायद इमरान खान एक दो दिन के ही सिर्फ अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, क्योंकि अब जो MQM है वो अब मतलब ऑफिशियली इमरान खान से अपना सपोर्ट को वापस ले लिए हैं और अब पाकिस्तान के अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। हालांकि ये न्यूज कंफर्म हो जाने के बाद और कल वोटिंग हो जाने के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपको मैंने बताया था अब तो पाकिस्तान का बुरा दिन चल रहा है। कौन कब कहां पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। ईरान से लेकर अफगानिस्तान, भारत, कहीं कुछ मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो अब पाकिस्तान का एक तरीके से आप कह सकते हो दोस्त देश है। चीन तक को तो ये लोग नहीं छोड़े हैं, छोड़िए वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आप सबको पता होगा कल कांगो में पाकिस्तान का जो पीस कीपिंग फोर्स है यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें 8 लोगों की जान चली गई है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। मतलब कांगो के जो विद्रोही है वो भी पाकिस्तानी सेना को नहीं छोड़ रहे हैं या फिर पाकिस्तानी सेना उनसे निपटने में कामयाब नहीं हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांगो में इंडिया की आर्मी भी प्रेजेंट है, जहां एक तरीके से कांगो में इंडियन आर्मी की तारीफ हो रहा है और अपनी काम को लेकर इंडियन आर्मी का मतलब एक तरीके से कह सकते हो इंटरनेशनल स्तर पर लोग तारीफ कर रहे हैं। उसी एरिया में या फिर उसी रीजन में, अफ्रीका रीजन में पाकिस्तान अपनी नाम को बदनाम कर रहा है, कैसे मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी खबर है जो बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान में वहां पर एक बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। हालांकि कितना कैजुअल्टी हुआ है अभी तक मतलब खबर नहीं आया है, शायद आप जब भी वीडियो देखे होंगे तो शायद इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा। अगर बहुत बड़ा अटैक हुआ तो शायद रात को मैं इसी टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं। अब मैं कांगो के ऊपर रहता हूं और आप सब देख रहे हो न्यूज, 6 पाकिस्तानी सोल्जर 2 UN पर्सनल डाय हेलीकॉप्टर क्रैश ड्यूरिंग UN मिशन। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांगो के जो आर्मी है वो बता रहे हैं कि जो ये हेलीकॉप्टर ये क्रैश नहीं हुआ है बल्कि जो कांगो में विद्रोही गुट है उन्होंने इसे शूट डाउन किए हैं। कैसे शूट डाउन किए हैं और टाइमिंग क्या है वो तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। और इस अटैक में सिर्फ 6 पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि एक रशियन और एक साइबेरिया की जो सैनिक है उनका भी जान गई। जो 6 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है आप उनके तस्वीर और नाम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके साथ आपका बड़ा सवाल होगा, चलो ठीक है पाकिस्तान अगर कांगो में प्रेजेंट था और अपने मिशन को अंजाम दे रहा था तो रशिया और साइबेरिया के आर्मी इनके साथ क्या मतलब कर रहे थे उसी मिशन में या फिर उसी हेलीकॉप्टर में जाने की क्या जरूरत थी। देखिए UN पीस कीपिंग मिशन में हर देश मिलकर काम करते हैं, ऐसा उस एरिया में ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ पाकिस्तानी अगर है उनकी मतलब आसपास कोई और दूसरे देश के सैनिक भी नहीं होंगे। इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे मिशन में इंडिया और पाकिस्तानी सैनिक मिलकर भी काम किए हैं अगर आप पिछले 20-30 साल की हिस्ट्री देखोगे। और अब हमारे जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है बाजवा, वो हमारे जो पहले आर्मी चीफ थे वीके सिंह उनके अंडर में भी UN पीस कीपिंग मिशन में काम कर चुके हैं। तो बहुत सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं और रिपोर्ट ये भी है ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके आसपास यूक्रेन का भी एक हेलीकॉप्टर था या फिर उस हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के सैनिक भी थे और उनको भी टारगेट किया गया था लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा कांगो में ऐसा क्या चल रहा है और उस एरिया में इतने सारे देशों की सैनिक प्रेजेंट है, इंडिया के भी सैनिक है, पाकिस्तान की भी सैनिक है और रूस साइबेरिया का सॉरी सर्बिया का नाम तो आ गया, बाकी और देश के भी सैनिक होंगे क्योंकि ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं इतना उनको मतलब मीडिया में चर्चा नहीं होता है। जब कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है तो पता चलता है कि हाँ इस देश के सैनिक इस एरिया में ये ऑपरेशन को अंजाम दिए या फिर ये चीज फेल हो गया। हालांकि देखा जाए अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे अगर हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया ये तो चलता है, मतलब ये UN के मिशन के थ्रू हो रहा था तो हम पाकिस्तान को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान सैनिकों की क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं, चलो ठीक है जंग में कोई भी देश का सैनिक अगर जान जाता है तो उनको उनके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो चाहे किसी भी देश का सैनिक क्यों ना हो, लेकिन इनकी हरकत ऐसे ही है उनके ऊपर सवाल उठता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पुमा हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है और उसमें 8 लोग जो थे उनकी जान चली गई है, अब ये कंफर्म है। हालांकि UN वालों ने अभी तक कंफर्म नहीं किए हैं लेकिन पाकिस्तान के आर्मी जो थे वो कंफर्म कर चुके हैं कि उनके जो 6 सैनिक उस हेलीकॉप्टर में थे उनकी जान चली गई। अब मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके उनका करतूत अफ्रीका में ये लोग क्या कर रहे थे। आप देखिए पाक आर्मी फाउंड कन्वर्टिंग UN मिशन एम्प्लॉइज टू इस्लाम इन कांगो, ये लोग गए हैं वहां पर जंग लड़ने के लिए लेकिन इनका काम क्या है, चलो किसी ने किसी को पकड़कर उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर लो या फिर कोई लड़के को पकड़कर उसके साथ कुछ इधर उधर के काम कर लो। इनकी ऐसे ही हरकत अगर रहेगी तो ये लोग जंग में कैसे फोकस करेंगे और उसे जीतने में या फिर जो ऑपरेशन उनको दिया गया है उसे ठीक करने में ये कैसे काम कर पाएंगे। उनका तो हरकत ही ऐसे है। कांगो की अगर बात करें तो कांगो की पॉपुलेशन तकरीबन, और आप देखिए 2 पाकिस्तान UN सोल्जर जेल फॉर रेपिंग
हाइतान बॉय, हाइती एक कंट्री है उसमें ये प्रेजेंट थे, और एक दो मतलब दो पाकिस्तान सैनिक एक 14-15 साल के लड़के को साथ क्या खराब व्यवहार कर रहे थे आप देखिए। अगर इनके ऐसा ही हरकत रहेगा, आपको कभी लग रहा है कि ये कुछ ऑपरेशन को ठीक से अंजाम दे पाएंगे? और ये लोग कांगो में जाकर इस्लाम की बात करते हैं। कल मैं आपको एक पाकिस्तान का ही इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ, आप जान जाओगे ये कितना इस्लाम को सही में फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में एक मदरसा था और उसमें कुछ लेडी टीचर थे, उसमें दो तीन लेडी टीचर को सपने में ये आया, हमारा और एक जो कलीग है वो जो मोहम्मद जी है उनका रेस्पेक्ट नहीं करती है या फिर उनका अपमान करती है। तो ये तीनों को सपने में आया और उनको सपने में मोहम्मद जी बताए कि ये जो आपके साथी है मेरे साथ ये बुरा व्यवहार करता है। तो ये लोग क्या करे कि मिलकर उनको उसकी हत्या कर दी और बोल दी कि ये मोहम्मद जी का अपमान कर रहा था तो हम उसे मार दिए। ये तो उनका ये स्टोरी है ब्लास्फेमी का जो मिस यूज ये कर रहे हैं, लेकिन सही स्टोरी क्या था, वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं और जो उनका कानून है कि ब्लास्फेमी लगाकर आप किसी को भी फांसी दे सकते हो या फिर किसी को भी मार सकते हो, वो उसी रूल को ये लोग फॉलो किए। श्रीलंका के मैनेजर के साथ क्या हुआ था आपको पता होगा कुछ महीने पहले। तो ये लोग अपने ही देश में जहां 97-98% लोग मुस्लिम है वहां पर वो इस तरीके का लॉ लाकर माइनॉरिटी हो गया, या फिर खुद मुस्लिम के अगेंस्ट भी इस टाइप का ये काम करते हैं, लेकिन दूसरे देश में जाकर ये क्या हरकत करते हैं ये आप देख सकते हो। जंग लड़ना मतलब उनका बस में तो है नहीं, बाकी चीजें उनके द्वारा होता है। अब अगर आप देखोगे कांगो के मैप, ये रहा अफ्रीका और कांगो जो डीआर कांगो है ये कोई छोटा कंट्री है नहीं, अगर आप आसपास देखोगे तो काफी बड़ा कंट्री है और उसके आसपास जाम्बिया, अंगोला और तांजानिया और एक कांगो का एक पार्ट भी इधर है। और जो ज्यादा डिस्टर्बेंस है इसी वाले एरिया को है, और उगांडा रवांडा जैसे लोग वो जो M23 ग्रुप उनको कहा जाता है उनको ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं। अगर देखते दिखा जाता है मैप में आपको ये वाला एरिया ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, और ये है नॉर्थ किवू, एक कीव तो यूक्रेन में है जिनमें जंग चल रहा है, और ये है किवू, और किवू में इंडिया पाकिस्तान दोनों के सैनिक प्रेजेंट है, इंडिया के तकरीबन 2000 सैनिक प्रेजेंट है। अब अगर आप कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं अगर इंडिया के सैनिक वहां पर प्रेजेंट थे तो क्या ये जो ऑपरेशन वगैरह हो रहा था वहां पर इंडिया के सैनिक जाकर काम कर रहे थे या फिर उनको कभी ऑपरेशन में भेजा गया? देखिए जरूर भेजा गया होगा, जैसे मैंने कहा ये किसी देश का मिशन नहीं है, यूएन का मिशन है, कभी अगर कोई जाते हैं तो इसका ज्यादा खुलासा नहीं किया जाता है। अब मैं कांगो में इंडियन आर्मी कितना अच्छा काम किया है कुछ आपको इंसिडेंट बता देता हूं। आप देखिए जो पिछले महीने में ही कांगो में बहुत बड़ा वोल्केनो मतलब निकला था माउंटेन से, और उसमें हमारे जो सैनिक थे वहां से लोगों को बाहर निकलने में काफी मदद किए थे। इसके साथ सिर्फ कांगो में ही नहीं, आप देख रहे हो यूएन मिशन के लिए जो सूडान में अच्छा काम किया उसी के लिए इंडियन आर्मी को भी अवार्ड दिया गया था। और आप देख सकते हो इंडियन आर्मी का काम कैसा है, वहां पर लोगों का सुरक्षा के साथ साथ हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन सब कुछ इंडियन आर्मी करता है। और आप देख सकते हो कांगो में इंडियन आर्मी के साथ तांजानिया के आर्मी वाले भी थे और उनको किसी मिशन में गए थे और उनको काफी चोट वगैरह भी पहुंची थी, तो अब इंडियन डॉक्टर वहां जो तांजानिया के आर्मी वाले थे उनका काफी इलाज वगैरह भी किए थे। तो इंडिया का वहां पर सॉफ्ट पावर तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हरकत में आपको बताया और उसके बाद ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। अब आखिर में आता हूं पाकिस्तान में ये जो टोंक डिस्ट्रिक्ट है इस एरिया में बड़ा अटैक हुआ है और ये अफगानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल आसपास है। तो अब ज्यादा रिपोर्ट मैंने देखा नहीं हूँ कितना कैजुअल्टी पाकिस्तान आर्मी को हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। अब इसी टॉपिक के बाद अगर ज्यादा बड़ा न्यूज ये हुआ तो मैं आपको रात को भी डिटेल्स में समझाऊंगा। अब आप समझ गए होंगे कांगो में पाकिस्तान आर्मी के साथ क्यों कैसे हुआ और उन लोगों का हरकत भी उस देश में क्या था। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।